नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार लोन लेना चाहते हैं तो योनो ऐप के माध्यम से आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसका एक लाइव डेमो बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप योनो ऐप से अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, आपकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी अगर आप योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो। दूसरा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चल रही है, जैसे आप डायरेक्टली ब्रांच में जाके अप्लाई करते हैं योनो ऐप से, तो योनो ऐप से आपको 0.25% का कंसेशन मिलता है, जो कि आज की डेट में योनो ऐप से अप्लाई करने के बाद आपको 7.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। लेकिन अगर आप यही लोन डायरेक्ट ब्रांच में जाएंगे तो आपको 7.75 की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी, मतलब 0.25% का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आइए हम एक लाइव डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको योनो ऐप के माध्यम से कार लोन को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आपके सामने योनो ऐप खुली हुई है, तो योनो ऐप तब आपके सामने ओपन हो तो जो शुरू में जो तीन पट्टियां दिख रही हैं आपको, वहां पर आपको क्लिक करना है और इसमें आपको लोन सेक्शन में सेलेक्ट कर लेना है। लोन सेक्शन में आप कार लोन पर क्लिक करेंगे। कार लोन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन खुलेगी जिस पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद, चूंकि मैंने पहले भी कार लोन अप्लाई किया हुआ है, तो इसके अंदर आ जाएगा कि आप नई एप्लीकेशन अप्लाई न्यू पर आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई न्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सिस्टम आगे बढ़ जाएगा और आपकी कुछ जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपके सामने पॉपुलेट हो जाएंगी। इसके बाद जो जो चीज़ें यहाँ पर नहीं आ रही हैं वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये सब आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं जैसे राजस्थान स्टेट सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट पाली सेलेक्ट कर लिया और सिटी सुमेरपुर मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद रेसिडेंट टाइप, चूंकि मैं रेंटेड में रहता हूँ तो रेंटेड मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करूँगा, अगर कुछ कमी है तो वह मुझे बता देगा। नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद अब मुझे वर्क डिटेल्स डालनी है, यानी कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ, प्रोफेशन टाइप क्या है मेरा, ग्रॉस सैलरी कितनी है मेरी, ये सब मुझे यहाँ पर एंटर करना है। वर्क एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर टाइप करना है। करंट जॉब में कितना टाइम हो गया है वो मुझे यहाँ टाइप करना है। फिर मुझे यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस, जिस भी ऑफिस में अगर मेरा खुद का है तो मुझे खुद का एड्रेस, खुद के ऑफिस का एड्रेस डालना है। अगर मैं कहीं जॉब करता हूं तो मुझे अपने एम्प्लॉयर का एड्रेस डालना है। ये सब एड्रेस डालने के बाद आप सिस्टम में आगे बढ़ जाएंगे। स्टेट को आप सेलेक्ट कर लेंगे या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई है तो वो यहाँ आपको एंटर करनी है। जैसे मेरा एक होम लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई मैं 5,800 रुपये पे कर रहा हूँ, तो मुझे वो यहाँ पर एंटर कर देना है ताकि सिस्टम मेरी एलिजिबिलिटी सही ढंग से कैलकुलेट कर पाए। यह सब करने के बाद, टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद, नेक्स्ट की बटन पर मुझे क्लिक कर देना है। अगर कुछ कमी होती है तो सिस्टम बता देता है, तो कुछ कॉलम फिलअप रहना रह गया हो तो आप उसको फिलअप करके नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर मेरा लोन अमाउंट चूज कर सकता हूँ। सिस्टम ने मुझे बता दिया कि मैं 11 लाख तक ले सकता हूँ, लेकिन मुझे 5 लाख ही लेना है और मुझे 84 मंथ्स की जगह 60 मंथ्स तक का ही लेना है। इसमें ये देखिए, मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5 है। ये सब रिव्यू करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पर मुझे कार की डिटेल सेलेक्ट करनी है कि मैं कौन सी कार फाइनेंस करवाना चाहता हूँ। मैं जैसे मारुति की सियास फाइनेंस करवाना चाहता हूँ बैंक से, मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा। सियास का मॉडल सेलेक्ट कर लूँगा, उसकी कितनी कीमत है वो मुझे यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अंदर एक बेनिफिट है, अगर आपके पास अभी इनवॉइस है तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। चूंकि मेरे पास अभी इनवॉइस नहीं है तो मैं नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब सिस्टम 30 सेकंड लेगा, इस 30 सेकंड में वो आपका सिविल स्कोर चेक करेगा, आपकी पिछली क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा। वह सब कुछ सही होने के बाद वह आपको स्टेटस दिखाएगा। अगर आपकी सिविल अच्छा है, सब कुछ है, तो वह कंफर्म की बटन पे क्लिक करेगा। यहाँ पर आपको
आपकी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। सबसे पहला ऑप्शन होम ब्रांच का आता है, लेकिन आप कोई दूसरी ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये बाली की ब्रांच सेलेक्ट कर ली है। बाली की ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद मैं कंफर्म की बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए मेरे सामने ये डिटेल्स आ चुकी हैं, ROI 7.75, टेन्योर 60 मंथ। अब चूंकि ROI 7.75 इसलिए आया है क्योंकि कुछ सिविल का क्राइटेरिया रहता है, कुछ और भी चीज़ें रहती है, वो सब मिला के। अब मैं इन प्रिंसिपल जो सेंक्शन लेटर है उसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ मेरे मोबाइल में। अब मैंने ये मोबाइल से देखिए, ये मैं इन प्रिंसिपल सेंक्शन लेटर मेरे सामने है, मुझे इसकी एक कॉपी ब्रांच में ले जानी है। ये देखिए इसके अंदर सारी डिटेल्स है मेरे लोन्स की। फ्रेंड्स, जब आप कार लोन अप्लाई कर दें, आपके सामने ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ जाता है, उसके बाद आप ब्रांच में ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। एप्लीकेशन फॉर्म, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न या फॉर्म 16, 6 महीने का बैंक अकाउंटमेंट, और अगर यदि आप बिजनेस मैन है तो 2 साल की बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और कार इनवॉइस जो कि आपको डीलर देता है। आप ये सारे डॉक्यूमेंट और इन प्रिंसिपल लेटर का कॉपी करा के आप ब्रांच में जाएं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप अब कार लोन लेंगे तो योनो ऐप के माध्यम से ही अप्लाई करेंगे, और अगर आपको कुछ भी सुझाव या कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।